गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर मैथ सेशन. इन लास्ट सेशन वी सी द और इंफॉर्मेशन अबाउट अ पिक्टोग्राफ. ओके, एंड टुडे वी सी हाउ टू ड्रॉ अ पिक्टोग्राफ. ओके, सो हियर सो ड्रॉइंग अ पिक्टोग्राफ इज अ इंटरेस्टिंग, बट समटाइम अ सिम्बॉल लाइक दिस विच वॉज यूज वन ऑफ द प्रीवियस एग्जाम्पल. ओके, दिस एग्जाम्पल दे may represent a multiple unit and may be difficult to draw. Instead of it, we can use a simple symbol if this represent. Okay, this is sign to represent one student. Say, यहाँ पे A symbol means 5 student. How will you represent say 4 and 3 student? So हमने one symbol ऐसा use किया 5 student के लिए this type of symbol. Then 4 and 3 के लिए क्या use करना है. So here we can solve a situation by making an assumption that this one this represent 5 student. देखो यहाँ पे इसका one leg remove. यहाँ से क्या किया है, remove the one leg. Okay, so वन लेग इसका रिमूव किया तो ये कितने हो गए, रिप्रेजेंट 4 स्टूडेंट. देन अगेन यू हैव टू रिमूव सेकेंड लेग, रिप्रेजेंट 3 स्टूडेंट. एंड दिस वन हैंड रिमूव देन 2 स्टूडेंट एंड दिस वन हेड एंड स्टैंडिंग लाइन रिप्रेजेंट 1 स्टूडेंट. ओके, सो कितने बॉडी पार्ट हियर यूज किए, दिस हेड मीन्स 1, दिस 2 हैंड एंड 2 लेग्स, टोटल हो गए 5. ओके, सो यू हैव टू रिमूव वन बॉडी पार्ट. ओके, दिस टाइप ऑफ पिक्टोग्राफ वी कैन यूज और यू हैव टू यूज सिंपली स्माइली. ओके, हियर इज नो नीड टू ड्रॉ दिस टाइप ऑफ सिंबल. सी ऑन दिस बेसिस हियर क्वेश्चन इज गिवन, दैट इज द फॉलोइंग द डिटेल नंबर ऑफ स्टूडेंट रिप्रेजेंट अ क्लास ऑफ 30 ड्यूरिंग द वीक, रिप्रेजेंट इट बाय पिक्टोग्राफ. ओके, दिस इज डेज इज गिवन एंड हियर नंबर ऑफ स्टूडेंट प्रेजेंट इन अ क्लास. तो यू हैव टू ड्रॉ अ पिक्टोग्राफ. सो 24 मे बी रिप्रेजेंटेड बाय, सो यहाँ पे हमने क्या दिया है, दिस वन सिंबल मीन्स, यहाँ पे आपको क्या करना है, दिस वन सिंबल दिस कंप्लीट होल नंबर इज अ 5. ओके, सो यहाँ पे कितने हैं, 24. तो 5 4 20 हम कंप्लीट कर सकते हैं. यस, 1 2 3 4 हमने कंप्लीट ड्रॉ किए एंड उसका वन लेग निकाल दिया. सो ये हो गए 4 24. ओके, अगेन 26 के लिए क्या करना है, 25 आप कंप्लीट निकाल सकते हो. ओके, 5 5 5 हाउ मेनी टाइम, 5 टाइम, 5 5 20 एंड वन स्टैंडिंग लाइन, दिस सर्कल एंड स्टैंडिंग लाइन, दिस इज 26. 28 के लिए अगेन 25 आपको ड्रॉ कर सकते हो, 25 कंप्लीट हो गए. एंड 3 के लिए आपको कैसे ऐड करना है, यू हैव टू रिमूव 2 लाइन दिस, सो वी गेट दिस टाइप ऑफ फिगर. देन थर्सडे 30 मीन्स 5 3 5 6 30, सो यू हैव टू ड्रॉ कंप्लीट ऑल 6 पैटर्न. फ्राइडे 29, अगेन 29 के लिए आप क्या करोगे, 25 प्लस 4 25 कंप्लीट हो जाएंगे, दिस ऑल सिंबल कंप्लीट 25, और 4 के लिए यू हैव टू रिमूव 1 लाइन. देन सैटरडे 20 प्लस 2 20 के लिए आप 4 ड्रॉ करोगे एंड 1 यू हैव टू ड्रॉ दिस टाइप ऑफ वी ड्रॉ अ पिक्टोग्राफ. ओके, नाउ वी सी द एक्सरसाइज 9.2. हियर टोटल नंबर ऑफ एनिमल इन 5 विलेज आर एज फॉलो, विलेज ए 80, विलेज बी 120, विलेज सी 90, विलेज डी 40 एंड विलेज 60. प्रिपेयर पिक्टोग्राफ ऑफ दिस एनिमल एंड यूज सिंबल इज गिवन दिस टाइम एंड दिस सिंबल इज रिप्रेजेंट 10 एनिमल्स. ओके, सो हियर नाउ वी ड्रॉ अ पिक्टोग्राफ. सो हियर यू हैव टू फर्स्ट ड्रॉ अ चार्ट. ओके, लाइक दिस एंड यू आर हियर यू हैव टू ड्रॉ अ की. दिस टाइप ऑफ फिगर मीन्स 10 animals. You have to, this is very important. Okay, this is for 1 marks. Okay, if you do not write like this key, your 1 mark will be cut. Okay, so this is key is very important. This symbol means 10 animals. Okay, and here we write here number
ऑफ एनिमल्स, और ये की आप बाहर भी लिख सकते हो, यहाँ पे भी लिख सकते हो ऊपर, ओके। एंड हियर यू हैव टू राइट विलेज। नाउ यू हैव टू राइट ऑल द नंबर्स। ए बी सी एंड डी एंड लास्ट ई नंबर, ओके। सो हियर नंबर ऑफ एनिमल्स इन नंबर इन विलेज में ये हाउ मेनी 80। 80 के लिए आपको क्या करना है, यू हैव टू ड्रॉ 8। वन सिंबल मीन्स 10, तो यू हैव टू ड्रॉ 8 मीन्स 10 इट्स द 80। 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, एंड दिस टाइप ऑफ सिंबल, हाउ मेनी सिंबल्स, 8 सिंबल, ओके। सो दीज आर 80। नाउ इन सेकेंड विलेज भी हाउ मेनी, 120। 120 के लिए मैं 10 12 120, 10 कितने टाइम लेना है हमें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12, 10 + 10, 20 30 40 50 60 70 80 90 20 20 sorry 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ओके। हो दीज आर 120, ओके। दीज आर दी सिंबल्स फॉर विलेज बी। इन विलेज सी हाउ मेनी सिंबल्स हियर, 90 के लिए कितने ड्रॉ करोगे आप, 9 सिंबल्स, सो यू हैव टू ड्रॉ 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, दीज आर 90, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ओके। इन दिस वे यू हैव टू कंप्लीट दिस चार्ट यूअर सेल्फ, ओके। नाउ हियर नेक्स्ट इज, हियर आर सम क्वेश्चंस आर गिवन, ओके। सी इन टेक्स्ट बुक, हाउ मेनी सिंबल्स रिप्रेजेंट द एनिमल्स ऑफ विलेज ए, तो विलेज ई में कितने, 60, तो आपको कितने सिंबल ड्रॉ करने हैं, 6 सिंबल, 1 मीन्स 10, तो 60 के लिए कितने हमने ड्रॉ किए, तो यू हैव टू राइट 6 सिंबल्स, योर आंसर इज 6, सो यू हैव टू कॉपी दिस क्वेश्चन इन योर नोटबुक, ओके। विच विलेज हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ एनिमल्स, विच विलेज, 120, तो विलेज बी। देन विच विलेज हैज द मोर एनिमल्स, विलेज ए और विलेज सी, दिस विलेज ए 80 एंड विलेज सी 90, तो सी विलेज हैज अ मोर एनिमल्स, ओके। इन दिस वे यू हैव टू कंप्लीट द क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट इज सेकेंड क्वेश्चन, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट ऑफ अ स्कूल इन अ डिफरेंट ईयर इज शोन, ओके। यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ईयर 96 98 2000 2002 2004, प्रिपेयर अ पिक्टोग्राफ यूजिंग द सिंबल, दिस सिंबल इज गिवन टू रिप्रेजेंट 100 स्टूडेंट एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, तो यहाँ पे आपको देखना है अभी, वन सिंबल मीन्स 100 स्टूडेंट, लेकिन यहाँ पे बीच बीच में कैसे है, 35 है, 72 है, 23 है, तो आप क्या करोगे, सो हमने लास्ट सेशन में क्या देखा था, सीयर इन्होंने यहाँ पे वॉच में दिखाया था, यहाँ पे कितने, 550 को उन्होंने क्या किया, तो राइट लाइक दिस, मोर देन 500 बट लेस देन 600, हाफ वॉच के लिए क्या किया है, मोर देन 500 एंड लेस देन 600, एग्जैक्ट नंबर उन्होंने नहीं किया है, ओके। दे राइट ओनली, दे ड्रॉ फिगर मोर देन एंड लेस देन, ओके। सो नाउ हियर वी राइट अ की, ओके। सो हियर वन मीन्स दिस वन सिंबल मीन्स 100 स्टूडेंट, हाफ सिंबल मीन्स मोर देन एंड लेस देन, ओके। सो ये आप कैसे करना है, सी हियर, हियर यू हैव टू ड्रॉ दिस टाइप ऑफ चार्ट, राइट हियर ईयर्स एंड हियर नंबर ऑफ स्टूडेंट, हियर 1996 एंड हाउ मेनी नंबर ऑफ स्टूडेंट हियर इन 1996, हियर आर 400 स्टूडेंट, तो 400 इज सिंपल, हाउ टू ड्रॉ 4 सिंबल, वन सिंबल मीन्स 100, 100 100 100 एंड 100, दिस आर 400 in 1998, how many student, 1998 2000 2002
एंड 2004. ओके, दीज आर द ईयर्स. नाउ 1998, हाउ मेनी स्टूडेंट्स? देयर आर 535. 535 मीन्स फर्स्ट यू हैव टू ड्रॉ 500. 500 कैसे ड्रॉ करोगे? 5 सिंबल्स ड्रॉ करोगे. ओके, ये कितने हो गए? 500 100 100 100 100 एंड 100. एंड हाफ सिंबल किसके लिए यूज करना है आपको? यू हैव टू दिस हाफ सिंबल. दिस इज मोर देन 500 बट लेस देन 600. ओके, एग्जैक्टली फिगर आपको ड्रॉ नहीं करना है. यू हैव टू राइट हियर हाफ. हाफ मीन्स मोर देन और लेस देन. तो हाफ मीन्स मोर देन कितना होगा? मोर देन 500 है लेकिन लेस देन 600. ओके, दिस इज इन 1998. एंड 2000 हाउ मेनी? 472. अगेन यहाँ पे क्या हुआ? 400 कंप्लीट है, यस, एंड 72 उसके ऊपर है. सो यू हैव टू ड्रॉ 4 सिंबल फर्स्ट. 400, दिस इज 400. ओके, एंड 72 के लिए क्या करोगे? अगेन यू हैव टू ड्रॉ हाफ सिंबल. मोर देन 400 बट लेस देन 500. ओके, देन 2022, हाउ मेनी सिंबल? 600. तो 600 यू हैव टू ड्रॉ 6 सिंबल्स. 1 2 3 4 5 एंड दिस इज 600 200 300 400 500 600. एंड लास्ट 2004 623. अगेन 623 मीन 600 + 23. तो 600 आप कंप्लीट निकाल सकते हो. तो यू हैव टू ड्रॉ 6 सिंबल कंप्लीटली. 1 2 3 4 5 एंड 6. एंड 23 के लिए आपको क्या करना है? यू हैव टू ड्रॉ हाफ सिंबल बिकॉज दिस सिंबल मीन्स मोर देन 600 बट लेस देन 700. इन दिस वे यू हैव टू कंप्लीट क्वेश्चन ए. देन क्वेश्चन बी अगेन सेम. सी हियर, क्वेश्चन बी इज अगेन यू हैव टू यूज सेम डेटा बट here prepare an, here first we solve this question. How many symbols represent the total number of student in year 2002? So 2002 mein kitne symbol aapko draw karne pade? 600 hai to how many symbols you have to draw? 6 symbols. So your answer is 6. How many symbols represent the total number of student for year 1998? How many symbols represent the total number of year in year 1990? तो यू हैव टू राइट 1 कंप्लीट. यहाँ पे हमने किया है इस ईयर 1998. सी ईयर 1998, 5 कंप्लीट सिंबल्स एंड 1 हाफ सिंबल. दिस इज हाफ सिंबल्स. सो यू हैव टू राइट योर आंसर 5 कंप्लीट सिंबल्स एंड 1 इनकम्प्लीट सिंबल्स. सो दिस इज योर आंसर्स. देन नेक्स्ट इज prepare another pictograph of a student using any other symbol. So here you have to take any symbols is representing 50 student. And which pictograph do you find more informative? So see here. Here we use same data, but here key is different. Okay, symbols is different. So here we take this type of symbol. You have to take any other smiley भी ले सकते हो आप. आपको जो draw करना है वो आप draw कर सकते हो. Okay, full complete means 50 student and half means more than and less than. Okay, more than 50 and less than 100. Okay, so here you have to draw the pictogram. 1996 400. तो 400 आपको कैसे करना है? 400 divided by 50. 0 0 cut 5 1 5 5 8 40. मीन्स आपको कितने सिंबल ड्रॉ करने हैं? 8. हमने क्या किया है? जितने नंबर ऑफ स्टूडेंट है उसको डिवाइड किया है की से. की हमें दी है 50 स्टूडेंट की. सो हमने की से डिवाइड किया तो हमें कितना आंसर मिला? 8. तो यू हैव टू ड्रॉ हियर 8 सिंबल्स. ओके, 1 2 3 4 5 6 7 8. ओके, देन 1998 535.
तो आपको यहाँ पे 535 को डायरेक्टली डिवाइड नहीं करना है. 500 मीन्स 500 प्लस 35. 500 कैसे बनेंगे? 500 प्लस 35. तो 500 को आप डिवाइड करो कितने से? 50 से. 0 0 कट. 5 1 5, 5 10 50. मीन्स हाउ मेनी सिंबल यू हैव टू ड्रॉ? कंप्लीट सिंबल आपको कितने ड्रॉ करने हैं? 10. और 35 के लिए क्या यूज करना है? हाफ सिंबल, बिकॉज दिस इज मोर देन 500 बट लेस देन 600. सो आपको कितने सिंबल्स ड्रॉ करने हैं यहाँ पे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 10 कंप्लीट, ओके, एंड 1/2 फॉर 35. देन 2000, हाउ मेनी? 472. अगेन यू हैव टू एक्सपेंडेड फॉर्म राइट इन एक्सपेंडेड. 400 प्लस 72. तो 400 के लिए हमने पहले से ही किया है. कितने आते हैं? 8. 5 8 40. और 400 डिवाइडेड बाय 50. 0 0 कट. 5 1 5, 5 8 40. तो 8 कंप्लीट सिंबल निकालने हैं. और 72 के लिए आपको क्या करना है? हाफ सिंबल निकालना है, बिकॉज दिस इज मोर देन 400 बट लेस देन 500. सो यू हैव टू ड्रॉ हियर 8 कंप्लीट सिंबल्स. 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड हाफ फॉर 72. 600 तो इजी है. 600 डिवाइडेड बाय 50. 0 0 कट. 5 1 5, 5 1 5, 1 रिमाइंडर. 5 2 10. So we get here 12 symbols. So you have to draw how many? 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. These are total 12 symbols for 2002. And 2004, how many students? 623. So again 623, how to write? 600 plus 23. You have to draw write in expanded. 600 के लिए कितने आए अभी? अभी निकाले हमने. कितने हैं? 12. तो 12 कंप्लीट सिंबल निकालने हैं और 23 के लिए हाफ सिंबल. सो यू हैव टू राइट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. 12 कंप्लीट एंड 1/2. ओके, इन दिस वे यू हैव टू ड्रॉ अ पिक्टोग्राम. देन हियर वन क्वेश्चन इज गिवन, विच पिक्टोग्राम डू यू फाइंड मोर इंफॉर्मेटिव? फर्स्ट इसमें क्या दिया था? की इज 100 स्टूडेंट एंड दिस की इज 50 स्टूडेंट. सो विच पिक्टोग्राफ मोर इंफॉर्मेटिव? सो यस, दिस पिक्टोग्राफ बी इज मोर इंफॉर्मेटिव बिकॉज दिस इज गिवन बेटर अप्रोक्सीमेशन. ओके, सो दिस पिक्टोग्राफ वी गेट हियर मोर इंफॉर्मेटिव, क्योंकि यहाँ पे कितने स्टूडेंट लिए हमने? 50. बट इन फर्स्ट पिक्टोग्राफ वी टेक 100 स्टूडेंट. सो दिस पिक्टोग्राफ बी इज मोर इंफॉर्मेटिव. सो इन दिस वे यू हैव टू कंप्लीट दिस क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 9.2 इन यूअर नोटबुक. राइट ऑल दी 1 2 क्वेश्चन. ओके, दिस 2 क्वेश्चन you have to draw here. This one pictograph, 2 pictograph and 3 pictograph, and you have to write this, copy this question in your notebook and solve in your notebook. This is your today's homework. Okay, exercise 9.2. thank you.